गाइस अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। सो आज हो गए हैं 23 अप्रैल, सैटरडे आ गया जिसका बहुत दिनों से इंतज़ार था, बिकॉज आज पूरा एक्सप्लोर करेंगे दिन भर। तो आज एक बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं जो बहुत ही फेमस हुई थी अभी बीच में। सो पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर बताता हूँ हम कहाँ जा रहे हैं। सो गाइस, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। तो कल रात हमारा प्लान बन गया था, ऐसे ही बहुत सारे लोग ग्रुप बन गया था बेसिकली। तो हम लोग यहाँ से अटल टनल जाने वाले हैं, उसके सिसु वाटरफॉल जाएंगे और उसके बाद कोकसर जाएंगे। तो प्लान तो भी यह है, बाकी तो ट्रैफिक और वेदर के ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी हमारे विष्णु भाई से मिलिए, ये हमारे रूम पार्टनर हैं। और ये हमको छोड़ के जा रहे हैं, ये नहीं ये आ नहीं रहे हमारे साथ, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, और क्या ही कर सकते हैं। ये भाई राइड करके आए हैं मथुरा से, है ना? हाँ, मथुरा से। तो ही इज अ राइडर। बाकी शाम को मिलते हैं भाई, शाम को मिलते हैं, है ना? एंजॉय करना, कुछ कमी होगी तो फोन कर देना। सो गाइस, हमारी जो गाड़ी है वो रेडी हो गई है और हम लोग निकल गए हैं। ये है आज का गैंग। सो बेसिकली हॉस्टल में ही फायदा होता है कि ग्रुप बन जाता है, कहीं ट्रैवल करना है कहीं घूमने आना है आसपास, तो कन्वीनियंट रहता है। सो गाइस, तकरीबन 9 बज गया है और हम लोग यहाँ से निकल गए हैं मनाली से। तो भैया एक घंटा लगेगा ना अटल टनल के लिए? डिपेंड ऑन ट्रैफिक में भी, हाँ मतलब एवरेज तो एक घंटा लगता है, एक घंटा। हाँ, तो एक घंटा एवरेज का मान के चलते हैं, तो अप्रॉक्स 10 बजे तक पहुँच जाएंगे। सो गाइज, आज हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन कर रहे हैं बहुत सारे लोग। गाइज से हाय। जो ऊपर स्नो वाला दिख रहा है, अच्छा। तो गाइस, भैया बता रहे हैं कि यहाँ से व्यास कुंड का भी ट्रैक जाता है, और ये संदीप भैया हमारी गाड़ी चला रहे हैं मस्त एकदम, और फुल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। थैंक यू सो मच संदीप भैया। इस टनल की खास बात बताओ, इस टनल के नीचे सेम एक टनल और ऐसी। अच्छा, ये देखो ये दरवाजे लगे हैं नीचे जाने के, बट आप तब जाओगे जब ये टनल किसी कारणवश बंद हो जाती है, आप ब्लॉक हो जाते हो, तो आपको ये रास्ता दिया, देखो 100 मीटर 370 मीटर डोर है, नीचे जाओ उसी टनल से बाहर जाओ पैदल पैदल, और इतनी बड़ी है उसमें एम्बुलेंस चलता है। जब ये उद्घाटन हुआ था ना, लाइव चल रहा था उस टाइम, दिखाया भी था उसको। कितने किलोमीटर की भैया टनल है ये? 9.9 किलोमीटर की, इंडिया की सबसे हाईएस्ट, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट टनल। 10 किलोमीटर से 100 मीटर का वर्ल्ड की हाईएस्ट है। वर्ल्ड क्या बात कर रहे हो? आज देखा है, रिकॉर्ड है। बढ़िया यार, तो ये कीर्तिमान भारत ने हासिल किया है, दुनिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी टनल 10 किलोमीटर, है ना? 9.9 अप्रोक्स 10 किलोमीटर। और इसका भी रिकॉर्ड तोड़ने के लिए एक और बन रही है, शिंकुला से झांसकर। अच्छा, झांसकर तक बननी हो रही? हाँ जी, 14 किलोमीटर। देखो राइट साइड, लवली, बिल्कुल ग्लेशियर के पास आ गए हैं। यहाँ पे आएगा बुद्धा का स्टैचू सामने। सो गाइस, टनल से उतरते ही बाहर, एकदम बाहर निकलते ही पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है, और आई थिंक जब स्नो के टाइम में तो गजब ही हो जाता होगा यहाँ। सो गाइस, ये जो रिवर दिख रही है आपको, ये चिनाब रिवर है। तो इसकी खासियत ये है कि ये उल्टी चलती है, बाकी सारी रिवर जो इंडिया की है वो नीचे की तरफ चलती है, ऊपर की तरफ चलती है। हाँ देखो ना, किसी बीच से यही तो यार, गजब यार, बहुत तगड़ा काम किया हुआ है यार। टनल यहाँ से बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, मतलब जहाँ से एग्जिट पॉइंट है उसके पता ही नहीं लग रहा, बहुत ही जबरदस्त बनाया हुआ है। और ऐसे ही निकलती बाहर पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है, और पूरा ग्लेशियर दिख रहा है, देखो मस्त एकदम। और ये है सामने चिनाब रिवर जिसकी मैं बात कर रहा था, एकदम जबरदस्त। मतलब ये मुझे लगता है ये मंथ अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे ना वेदर ठीक है, इतना ठंड भी नहीं है, हालांकि वेदर का तो कोई भरोसा नहीं होता है, बट स्टिल आज सनी वेदर है तो उतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। सो गाइस, हम लोग सिसु पहुँच गए हैं। तो सिसु वाटरफॉल के लिए यहाँ से आपको पैदल चलना पड़ता है, तो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी रहेगी, यहाँ से हम थोड़ा सा ट्रैक करके जाएंगे। एक यहाँ पे ब्रिज आएगा, ब्रिज क्रॉस करके फिर थोड़ा सा कुछ अप्रॉक्स आधे घंटे का ट्रैक होएगा, उसका सिसु वाटरफॉल हम पहुँचेंगे। आई होप वहाँ वाटर अच्छा खासा हो तो काफ़ी मज़ा आएगा। सो गाइस, मीट आनंद, ही इज़ फ्रॉम केरला, एंड हाउ इज योर एक्सपीरियंस सो फार? वेरी नाइस। सो इट्स योर फर्स्ट टाइम वॉचिंग स्नो एंड दिस यू नो हाई पीक्स एंड ऑल? I've been Srinagar once. अच्छा अच्छा, it's a different experience. Yeah, it's very different landscape actually, na? Yeah. So let's go.
सो गाइस यहाँ से ब्रिज क्रॉस करके थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे MTB राइड भी हो रही है, तो 500 रुपीज़ ले रहे हैं एक राउंड का, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हो करना चाहो तो। बाकी यहाँ से अभी मैंने पूछा था अप्रॉक्स 1 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है ट्रैक वाटरफॉल का, तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, बाकी और लोगों के ऊपर भी डिपेंड करता है। सो गाइस ये देखो लड़की का स्टाइल, क्या करे, व्यू भी देखना है, कूल भी लगना है। सो गाइस अभी जो रास्ता है थोड़ा सा आगे से घूम फिर के आ रहा है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ से शॉर्टकट ले लें, तो लेट्स सी अगर हो पाता है तो ऐसे ट्रेल्स चढ़ के सीधे सीधे ऊपर रास्ते में। और यहाँ से जो है ना वाटरफॉल भी दिखने लगा है, थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट ले लिया है, एक प्रॉपर ट्रेल दिख गई थी मुझे यहाँ से, अदरवाइज रास्ता जो है ना वहाँ से घूम के आ रहा है वो ज़्यादा, तो जल्दी पहुँच जाऊँगा ना, थोड़ा फोटो वगैरह खींच लेंगे बढ़िया करके, है ना, थोड़ा आज रश भी कम दिख रहा है यहाँ। सो गाइस ऑलमोस्ट वाटरफॉल के पास पहुंच गया हूँ, यहाँ तक पानी उड़ के आ रहा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ज़बरदस्त नज़ारा है यार, सीरियसली मज़ा आ गया। जो छोटा सा स्टीप करके ट्रैक था ना, बट टोटली वर्थ इट है। लेकिन अब बर्फ़ को काटते हुए निकल रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है, चलो थोड़ा ना नज़दीक चलते हैं। सो गाइस फाइनली पूरा वाटरफॉल तक पहुँच गए, एज यू कैन सी अमेजिंग यार, काफ़ी अच्छे हाइट से गिर रहा है। सो गाइस बहुत सारी फोटोज़ वगैरह खींचने के बाद हम लोग वापस जा रहे हैं, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था, एज यू कैन सी मज़ा आ गया, मतलब लिटरली थोड़ा सा सन थोड़ा और आगे होता ना, चलो जैसे या तो आप आओ तो थोड़ा अर्ली मॉर्निंग के टाइम पर आओ, या फिर दिन के बाद आओ तो सन इधर साइड आ जाएगा ना, तो बहुत ब्यूटीफुल फोटोज़ और मे बी रेनबो भी देखने को मिल जाए। तो चलिए अब चलते हैं वापस, अब यहाँ से हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर जाएंगे, और जो बाकी लोग हैं वो नीचे वेट कर रहे हैं हमारा, सारे लोग ऊपर नहीं आए, बिकॉज थोड़ा रास्ता ना रिस्की है, थोड़ा स्लिपरी है, और वाटरफॉल से थोड़ा भीग भी गया है। भैया हमारे क्लब छूट गए थे यहाँ पे, तो हम लेकर आए, क्या नाम भी आपका, कहाँ से आए हो आप, पुणे से आए हो, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। सो गाइस वी आर बैक फ्रॉम सिसु वाटरफॉल, तो थोड़ा छोटा सा एक ट्रैक है जो कि वर्थ है डूइंग, फिर यहाँ से अभी प्लान है कोकसर जाने का, बट उससे पहले थोड़ा यहाँ पे मैगी वैगी कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत तेज की। क्या नाम है, जोर से बोलो, उसको मुंह में नहीं डालते बेटा, मम्मी को दो, मम्मी भाग गई। सो गाइस हमने मैगी ऑर्डर कर दी है बिकॉज भूख लगी थी सुबह से बहुत तेज की। मैगी के बाद चाय पीने का तो मजा ही कुछ और है, वो भी पहाड़ों में। मशरूम वगैरह नहीं होते, उतना बोला नहीं है, पागल नाला, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, जब ये आता है तो बहुत भयंकर हो जाता है, ये पागल नाला है, कभी भी आता है। अच्छा कभी भी आता है, कभी भी आता है, तभी तो इसको पागल नाला बोलते, बारिश कैसे कोई लेना देना नहीं, यहाँ पानी भरता कैसे हुआ, इस एरिया में सिर्फ बारिश नहीं होती, सिर्फ स्नो होती है, वो भी विंटर में बारिश नहीं होती, तो फिर ये पानी बढ़ता कैसे होगा इसमें। अच्छा ऊपर मेल्ट मेल्ट आता होगा, तो पीछे पहाड़ों पे डैम लगता है ना, तो यहाँ से कोकसर आपने कितना किलोमीटर बताया था, 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर यहाँ से कोकसर है, चलते हैं धीरे धीरे पहाड़ों की राइड एंजॉय करते हुए। और वहाँ कोकसर में है क्या भैया वैसे कुछ स्पेशल, कोकसर जो है चेक पोस्ट है, वो रोहतांग को लिंक करता है और स्पीति वैली को लिंक करता है, अभी हम लाहौल में, ये लाहौल एंड स्पीति है, लाहौल एंड स्पीति मतलब ये टेरिटरी वाला। अच्छा अच्छा, तो गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वॉशरूम आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बट अगर आप टनल से थोड़ा सा आगे आ जाते हैं इधर की तरफ कोकसर की तरफ, तो यहाँ पर टॉयलेट है, तो अभी लोग सारे टॉयलेट वॉलेट करने गए हैं, और यहाँ पर अमेजिंग आपको ग्लेशियर भी देखने को मिल जाएगा, फोटोग्राफी के लिए भी सही लग रहा है, एकदम मस्त, एकदम मज़ा आ रहा है। और आनंद भाई आर यू इन्जॉइंग, तो यहाँ आके ऐसा फील आ रहा है धीरे धीरे कि अब लेह करना चाहिए मनाली से बाइक से, यार बनता है यार, जो लैंडस्केप देख के मज़ा आ रहा है ना। तो गाइस थोड़ा सा चलने के बाद हमारा कोकसर आ गया, जहाँ आपको भीड़ दिखने लग जाए बिल्कुल एकदम ठसा ठस ट्रैफिक देखने को मिल जाए, समझ लो वही कोकसर है, यहाँ पर वही बर्फ़ से खेलने आते होंगे टूरिस्ट और क्या जी। सो गाइस यहाँ पे चेक पोस्ट आया था, इस तरह की गाड़ी लाने नहीं देते अनलेस आपके पास परमिट ना हो, यहाँ से पैदल जाना पड़ता है,
थोड़ा बहुत आगे एक्सप्लोर करके आते हैं, लेट्स सी कैसा है माहौल। भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, रश बहुत ज़्यादा है। सो गाइस भीड़ से हम थोड़ा दूर आ गए हैं और यहाँ पे अभी थोड़ा मोमो वगैरह खाते हैं, ठंड बहुत बढ़ गई एकदम से, तो भूख भी लगी बड़ी है। और फिर उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा तो कुछ है नहीं यहाँ पे, अगर आपको स्नो वगैरह से खेलना है तो उसके लिए बेस्ट है, नहीं तो खाली घूमने आ जाओ एक राउंड, वैसा कुछ खास है नहीं, है ना। बस बाकी लैंडस्केप है फोटोग्राफी के लिए थोड़ा अच्छा है। अगर आप लोग बंजी रॉकेट करनी है और रॉकेट होना है एकदम, तो आप कर सकते हो। यहाँ पे 500 रुपीज़ चार्ज है यहाँ पे एक शॉट का। आपने देखा अभी लोगों ने कैसे सकले बना रखी थी जब ऊपर गए थे हवा में, तो अगर आपको ऐसा एडवेंचर करने का शौक है तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। ठंडा सो गाइस हम लोग थोड़ा क्लाउड से थोड़ा नीचे आ गए हैं रिवर के पास, तो थोड़ा टाइम यहाँ स्पेंड कर लेते हैं। अच्छा वेदर भी है ठीक ठाक और थोड़ा यहाँ पे रश कम है। सो गाइस मैं वो रिवर क्रॉस करके इधर आ गया था, मुझे लगा कुछ होगा इसके पीछे, थोड़ा क्यूरियस था तो, बट है नहीं इसके पीछे कुछ। बट मेरे को एक चीज़ दिखी, तो ये वाटरफॉल जो है ना रोड के पास है और प्लस उधर एक मॉनेस्ट्री सी दिख रही है, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस 2:30 बज गया अप्रॉक्स, हमें यहाँ ऐसे चिल मारते मारते थोड़ी देर में यहाँ से निकल जाएंगे, तो वो लोग मेरा वेट कर रहे हैं उधर रिवर के उस पार। भाई ये देख लो नेचुरल फ्रीजर एकदम जबरदस्त। सो गाइस फाइनली हम लोग वापस पहुंचने वाले अपने हॉस्टल। बहुत अमेजिंग रहा, अमेजिंग ट्रिप था। एंड करण भाई और ये हमारे बड़े भाई। सो गाइस फाइनली अंबिका आ गई है। यार तो इस किताब का नाम है इन कॉन्वर्सेशन विद लाइट एंड डार्कनेस। दिस इज द लामाडू ब्यूटीफुल